तो और मेरे भाइयों, क्या हालचाल है यार। तो यार, आ चुके एक और वीडियो के साथ वापिस। और यार, आज की वीडियो में हम पबजी टेस्ट करने वाले हैं मोटो के G31 का। और काफी सारे लोग भाई मेरे को बोल रहे थे कि भाई बजट फोन का पबजी टेस्ट करना छोड़ दिया गया, तो आज की वीडियो में आपके लिए बजट फोन लेके आ गया हूँ। इस फोन का जो प्राइस है ना भाई, वो 13,000 रुपये है। और आपको बता दूंगा कि आपको BGMI के लिए या फिर और अदर गेम्स के लिए ये वाला फोन लेना चाहिए या फिर नहीं। मतलब कि ऑलमोस्ट ये बताने वाला हूँ कि गेमिंग के लिए वाला स्मार्टफोन कैसा रहने वाला है। और आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है ना, तो जरूर से आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। ऐसे अमेजिंग कंटेंट मैं चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। 2 लाख सब्सक्राइबर चैनल को फटाफट से करवा दो। और भाई, जो हमारा सेटअप है ना, उसमें मैंने थोड़ा सा बदलाव कराया, तो वो भी जरूर से बताना कि कैसा लग रहा है। तो जो भी सारी स्पेसिफिकेशन है वो दिख जाएगी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। बात करें इसके प्रोसेसर की, तो MediaTek Helio G85 प्रोसेसर है इसके अंदर, जो कि बजट फोन के अंदर भाई यही प्रोसेसर देखने को मिलते हैं ज्यादातर। बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो भाई ये इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट यहाँ पे देखने को मिलती है हमको। इसके अंदर ना एमोलेड डिस्प्ले है। इस प्राइस में भाई मोटोरोला एमोलेड डिस्प्ले दे रहा है, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है भाई। 60Hz का है, हालांकि वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई बैटरी की बात करें, तो 5000mAh की बैटरी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। उसके हिसाब से फोन जरा भी मोटा मेरे को देखने को नहीं मिला है, ना ही फोन मेरे को हैवी लगा है। बात करें चार्जिंग की, तो भाई 20W का चार्जर इसके साथ आपको देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर, तो 20W की चार्जिंग सपोर्टेड है इसके अंदर। थोड़ी सी स्लो है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बजट को मद्देनजर रखते हुए वो भी मेरे को सही लगा है। और बात करें इसके वेरिएंट की, तो 464GB वाला वेरिएंट मेरे पास अवेलेबल है। प्राइस इसका 13,000 रुपये, जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ। थोड़ा डिजाइन वगैरह की बात करी जाए, तो भाई बैक से प्लास्टिक के साथ आपको देखने को मिलता है। इस पर थोड़ा सा टेक्स्चर है, जिस पे कि आप ऐसे ऐसे हाथ रगड़ोगे तो आवाज़ भी आती है। और फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पे बैक के अंदर देखने को मिलता है। और जो कैमरा कटआउट है ना, वो थोड़ा से कर्व सा होकर देखने को मिल रहा है। आजकल सब फ्लैट एजेस कर रहे हैं, वो मेरे को पसंद नहीं है। तो फोन अपना यहाँ से अभी साइडों से भी फुल कर्व है, और कैमरा के पास से भी डिजाइन थोड़ा कर्विश टाइप में देखने को मिलता है। साइड में आपको पावर बटन देखने को मिलता है, वॉल्यूम रॉकर है, और एक गूगल असिस्टेंट वाला बटन है। नीचे की तरफ आपको एक स्पीकर देखने को मिलता है, टाइप सी पोर्ट है, और लेफ्ट साइड में सिम विम का ये है। ऊपर की तरफ भाई सबसे बढ़िया बात, हेडफोन जैक भी हमको देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। बजट फोन के अंदर हेडफोन जैक देखने को मिलते हैं, महंगे महंगे फ़ोनों में हेडफोन जैक नहीं होते। तो भाई अभी हमने फ़ोन की जो ब्राइटनेस है ना, अपने टेस्ट के अंदर फुल रखने वाले हैं। और इसको मैंने अभी ना 90% चार्ज करा है, तो एंड में देख लेंगे कितना परसेंट बैटरी इसके अंदर हो गई है। अबाउट 1 आवर की गेमिंग हम करने वाले हैं, तो सीधा हम BGMI को चालू कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और जो इसका डिस्प्ले है ना, उसमें जो कलर्स वगैरह हैं, वो थोड़े से सैचुरेटेड कलर्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी सही लग रहा है भाई। तो भाई अपने फ़ोन के अंदर जो ग्राफिक सेटिंग हमको देखने को मिलती है ना, वो स्मूथ प्लस अल्ट्रा की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही बात है इस प्राइस में। और बैलेंस पे भी अल्ट्रा आप खेल सकते हो, HD प्लस हाई भी आप खेल सकते हो। इसकी मैक्स सेटिंग ये है, स्मूथ प्लस अल्ट्रा भी हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। एंड के मैचेस मैक्स सेटिंग पे भी खेल के देख लेंगे। सबसे पहले हम STDM का स्टार्ट करेंगे, उससे पहले स्टॉप वॉच वगैरह हम लगा लेते हैं। और भाई ज़्यादातर फोन ना जो इस प्राइस रेंज में आते हैं, उसके अंदर जायरोस्कोप सेंसर की दिक्कत हमको देखने को मिलती है, या तो उसका जायरोस्कोप डिले होता है या फिर होता ही नहीं है। पर इसके अंदर भाई जायरोस्कोप अनेबल मैंने कर रखा है, और एकदम फास्ट प्रॉपरली वर्क करता है, तो इसमें जायरोस्कोप वगैरह की भी कोई दिक्कत मेरे को देखने को नहीं मिली। आप बड़े आराम से स्प्रे वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। क्या में से तो आवाज़ ही ना आ रही। भाई ये गेम साइलेंट मोड पे चल रही है। अरे कहाँ वहाँ खड़े हो। मैं ठिली जाओगे क्या? वाह बेटे वाह। पहला मैच भाई TDM का हमारा कंप्लीट हुआ है, और मेरे को ना ठीक ठाक लगा है पहले मैच के बाद। अभी फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह होते हुए तो नहीं लगा, पर थोड़ी सी स्मूथनेस की कमी मेरे को इसके अंदर देखने को मिल रही है। अभी अगला मैच हम सीधा क्लासिक का स्टार्ट करने वाले हैं, इरेंगल का। स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग पे भी खेल रहे हैं, और अभी देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है इरेंगल में। अभी भाई हम जंप करते हुए देखते हैं, जंप करते हुए बढ़िया चला भाई, कोई भी नहीं दिक्कत हुई, फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह कुछ नहीं हुआ। कहाँ भाई कहाँ। मजाक है गया, ले बेटे मजाक। चार नंबर से उतरी किधर आना। बड़ी जल्दी आ रहा बेटे, बचाने आया था टिल ने।
चलो कोई दिक्कत नहीं, एक और बार स्टार्ट करते हैं रेंगल का मैच। तीन नंबर ने तो भाई इधर अपना नंबर ही लिख दिया है। ओए इस बार थोड़े से फ्रेम ड्रॉप हमको देखने को मिले माइनर से थे। ओ कैसी लैंडिंग करा रहे हो भाई, ऐसे ले जाओगे मिलिट्री, यो मरवाएगा आज भाई। भाई हल्के फुल्के लग तो रहा है फ्रेम ड्रॉप करता हुआ। कुत्ते भर दिए। कौन दे रहा है इतना सस्ता सरे, जिंदा बंदा सब लूट आया, एक जो मारा गया हो तुमसे। डायनामो ये बन रहा है डायनामो। अबे ये पड़ा भाई साहब, क्या ही डसा सामने, बड़ी जल्दी आए सांप एकदम जहरीला डसा, एकदम जिंदा दिखा नहीं सामने पड़ा हुआ, मजा आ गया, डस मिल गया सांप का। बाकी भाई हम जब फाइट ले रहे थे ना तो हल्का फुल्का FPS ड्रॉप देखने को मिल रहा था फोन के अंदर। बाकी 13,000 रुपये के प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा सही चलते हुए मेरे को लगा है, उतना भी ज्यादा ड्रॉप देखने को नहीं मिला, अबव 30 ही रहा है। एक बार टेम्परेचर भी हम चेक करते हैं कितना पहुंचा है फोन का, तो भाई फ्रंट से 34.3 चल रहा है अभी फोन, 30 डिग्री पे हमने इसको स्टार्ट किया था, सिर्फ 4 डिग्री अप हुआ है टेम्परेचर वाइज, तो काफी ज्यादा सही चल रहा है। बैक से 33.1 चल रहा है मैक्स, तो भाई ज्यादा हीट नहीं हुआ है फोन, हल्का भी पता भी नहीं चल रहा हाथ वात में तो, और ब्राइटनेस ड्रॉप वगैरह भी नहीं कर रहा है, तो वो भी काफी ज्यादा सही बात है। अभी हम ना थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे इसको ले जाते हैं और इसकी मैक्स सेटिंग कर लेते हैं HD+ हाई की, और अब करते हैं हम एक बार एरेंगल का मैच स्टार्ट। तो भाई ग्राफिक सेटिंग तो काफी ज्यादा सही लग रही है मेरे को इसकी, ये देखो परछाई वरछाई भी अच्छे से दिख रही है। अब एक बार जंप करते हैं, देखते हैं। ओ भाई साहब इस बार तो हुए थे फ्रेम ड्रॉप्स काफी करे इस बार तो इसने। सुतरी ये बाईजान लेके हीरो बन रहा, हम भी गए स्वैग में। वॉर का मैच खेलेंगे HD हाई सेटिंग के ऊपर ही, यहाँ पे भी जंप करते हुए देखें। यहाँ पे तो फ्रेम ड्रॉप नहीं हुए, क्लासिक के मैच में हो रहे थे भाई, पर कहाँ सुतरी के। ओ भाई यहाँ पे तो टकरा है फुल, यार उसको AKM दे रखी है, हमको M16 दे रखी है, गलत बात है भाई। मैक्स सेटिंग के ऊपर ना थोड़ी सी दिक्कत हमको देखने को मिल रही है, तो हम अभी स्मूथ प्लस अल्ट्रा ही कर लिया है वापस, मैक्स सेटिंग के ऊपर फ्रेम ड्रॉप्स कर रहा है क्योंकि ये। ओ भाई फ्रेम ड्रॉप्स कर रहा है फोन तो, अरे ये तो हवा में ही खत्म हो लिया।
भाई साहब बारात आ गई इधर तो। बाकी भाई ये वाला मैच तो हमने कंप्लीट कर लिया है और मैक्स सेटिंग के ऊपर ना गेम थोड़ा सा खेले लायक नहीं हो पा रहा था, फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह इसके अंदर देखने को मिल रहे थे, तो मैंने वापस इसको स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग पे कर लिया था। वहाँ पे भी हमको फ्रेम ड्रॉप्स हल्के फुल्के देखने को मिले। उसके बाद अभी देख लेते हैं अभी मैक्स सेटिंग वगैरह पे मैच खेल के आए तो एंड में कितना ये पहुँचा है, ज़्यादा हीट हुआ या फिर नहीं। तो भाई 36.2 हो चुका है फ्रंट से, अभी भी ज़्यादा हीट नहीं हुआ वैसे, ये बैक से भी 36.4 है तो ऑलमोस्ट 37 डिग्री इसको मान सकते हैं, पर फिर भी भाई फ़ोन अपना ज़्यादा हीट नहीं हुआ है। हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप के साथ यहाँ पे गेम चला देता है। अभी क्या करते हैं हम, हमको ऑलमोस्ट 50 मिनट कंप्लीट हो गए हैं गेम खेलते हो, तो अब इसको स्टॉप वॉच कर लेते हैं, स्टॉप फेंक देते हैं कोने में को, फेंक दे कोने में को। बाकी यार फ़ोन की बैटरी परसेंटेज की बात करें तो 77% बैटरी इसके अंदर अभी भी बची हुई है और हमने इसको स्टार्ट करा था 91% बैटरी थी जब, तो ऑलमोस्ट इसके अंदर ना 14% बैटरी ड्रॉप हुई है अबाउट 50 मिनट की गेमिंग के बाद। तो बैटरी भी भाई काफ़ी ज़्यादा सही चल रही है 5000 एमएच की बैटरी के हिसाब से, बस जो फ़ोन है ना थोड़ा सा स्लो आपका चार्ज देखने को मिल सकता है। बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस से रिलेटेड तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी मेरे को इसकी ठीक ठाक लगी है, जो कि फ़ोन का प्राइस है ना उस प्राइस में मोटोरोला काफ़ी ज़्यादा सही फोन्स बना रहा है और इस फोन का जो डिस्प्ले वगैरह एमोलेड डिस्प्ले इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो उस वजह से मेरे को ये वाला फ़ोन सही लगा है। और भाई जो फ़ोन का डिज़ाइन वगैरह वो भी मेरे को सही लगा क्योंकि इस पर फिंगरप्रिंट वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, तो जल्दी आपका फ़ोन गंदा देखने को नहीं मिलेगा और स्क्रैचेस वगैरह भी इस पर नहीं आएंगे भाई। बाकी भाई अगर आप सोच रहे हो कि इस प्राइस में आपको कैमरा तगड़े वगैरह मिल जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कैमरा इसके एवरेज देखने को मिल जाता है, तो नहीं भी ख़राब कैमरा नहीं है, वो भी मेरे को सही लगे हैं कैमरा, तो उस हिसाब से भी अगर आपका कैमरा का यूज़ है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। अगर आप मूवीज़ वगैरह ज़्यादा देखते हो तब आप इसको ले सकते हो और कभी कभार अगर आप गेमिंग करते हो ना तभी भाई आपका काम इससे चल जाएगा। बट भाई मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये वाला जो प्रोसेसर है ना हीलियो G85, इसके कंपैरिजन में हीलियो G86 और G95 दोनों प्रोसेसर ज़्यादा तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस हमको दे देंगे, तो आप भाई वाले फ़ोन कंसिडर करना अगर आपका गेमिंग मेन प्रायोरिटी रहने वाला है तो। बाकी ये वाला फ़ोन भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, मेरी तरफ से आपको ये वाला रिकमेंडेड है। बाकी भाई मोटो का भी एक और फोन आने वाला है मोटो G51, उसकी वीडियोज़ भी आपको मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना और इस वाले फ़ोन का कौन से फोनों के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो और आपकी कंफ्यूजन क्लियर हुई हो तो इस वाले वीडियो को जरूर से आप लाइक कर सकते हो। बाकी भाई ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मैं चैनल के ऊपर लाता रहता हूं तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, 2 लाख सब्सक्राइबर चैनल के ऊपर फटाफट से करवा दो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे एक और कमाल की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।